नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय और आप हैं स्टेप एड के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, फरवरी 2021 में नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ, यानी उसकी शुरुआत हुई। लेकिन इस मिशन को और इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए यंग प्रोफेशनल लीडर्स, यंग लीडर्स की दरकार है मिनिस्ट्री को। उसी लिए ये एक फेलोशिप लॉन्च हो रही है, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन फेलोशिप। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या है फेलोशिप, कैसे भरा जाएगा एप्लीकेशन, कितनी है ड्यूरेशन और क्या रहेगा आपका स्टाइपेंड, लास्ट डेट क्या है और आप कैसे भरेंगे पूरा का पूरा फॉर्म। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो में और आगे चलें, लेट मी वेलकम टू द फैमिली ऑफ चेंज मेकर्स। स्टेप अहेड फेलोशिप प्रिपरेशन सपोर्ट एक ऐसा ग्रुप है जो अलग अलग फेलोज वॉलंटरी आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्म करने से लेकर आपके मॉक इंटरव्यूज और आप इस फेलोशिप में कैसे जा सकते हैं उसकी पूरी तैयारी के साथ। सबसे पहले साथियों, हमें नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन समझना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ। इसका जो मकसद है, उसका जो उद्देश्य है, एम है, वो है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंदर करना और जो अर्बन की, यानी जो सिटीज है हमारे यहाँ 4,500 के करीब जो नए शहर हैं, टोटल शहर हैं, उनकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजीली डिजिटल के माध्यम से, AI के माध्यम से, रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सॉल्व करना। इसी अर्बन डिजिटल मिशन को स्ट्रेंदन करने के लिए फेलोशिप की शुरुआत की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऐसे कैपेबल लीडर्स, ऐसे यंग लीडर्स को ढूंढ रहा है जो अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, अलग अलग लैंग्वेज से होंगे, अलग अलग डिसिप्लिन से होंगे और जो एक पॉजिटिव डिफरेंस बना सके, एक पॉजिटिव चेंज ला सके सोसाइटी में और अल्टीमेटली इस मिशन को ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में ले जा सके, इस मिशन को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सके। इस फेलोशिप के जरिए इस मिशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा और यंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन करके इस मिशन में उनसे कॉन्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो फेलोज इंटरेस्टेड हैं, ऐसे फेलो जो डाइवर्स बैकग्राउंड से हों, थोड़ा सा यंग एनर्जी के साथ हों, चेंज चाहते हों, कंट्रीब्यूट करना चाहते हों और गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हों और भविष्य के ऐसे शहरों को डिजाइन करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हों जो कि एक्सेसिबल हों, इंक्लूसिव हों और डिजिटली एक तरीके से अप टू डेट हों, मॉडर्न हों। कमिंग टू द पार्ट कि कौन लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं, तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया 35 साल से कम उम्र, 35 साल आपकी 31st अक्टूबर को 35 साल से कम उम्र के आप होने चाहिए। सेकंड, आपको इंग्लिश एज वेल एज जो रीजनल लैंग्वेज है जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। थर्ड, आपके भीतर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होनी चाहिए और उसको आप डिस्प्ले भी कर पाएं। फोर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका या तो ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन हो या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों फर्स्ट डिवीजन नहीं है, यानी 60% मार्क्स नहीं है, तो आपका PhD होना चाहिए किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो, एक और चीज है कि आप फरवरी 1, 2022 टेंटेटिव है से इस फेलोशिप को ज्वाइन करने के लिए अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, आपके कॉलेज पूरा होना चाहिए, आपका जो भी आप जॉब में वहां से आप अवेलेबल होने चाहिए इसके लिए, और जनवरी में इसका जो इंडक्शन प्रोग्राम है उसके लिए आपको अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। कुछ और क्वालिफिकेशन इसमें अगर हम ऐड कर पाए तो द कैंडिडेट टू बी कंसीडर्ड फॉर द फेलोशिप शुड बी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट, राइट, जो रेपुटेशनल इंस्टीट्यूट है उनसे होने चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, अर्बन प्लानिंग का हो, कॉमर्स एंड फाइनेंस का हो, डेटा साइंस, पब्लिक पॉलिसी, बट ये लिमिटेड नहीं है। ठीक है, बट नॉट लिमिटेड टू, राइट, तो दूसरे भी हो सकते हैं। अब एक और क्वालिफिकेशन में आपका ऐड है वर्क एक्सपीरियंस। सो प्रीफरेंस दी जाएगी अगर किसी का रिलेवेंट वर्क है और जैसे कोई पब्लिश्ड वर्क है या पॉलिसी पेपर, अप्रेजल, मॉनिटरिंग, 2 से 3 साल का अगर किसी का IT प्रोजेक्ट, डेटा साइंस, गवर्नमेंट कंसल्टिंग या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के प्रोजेक्ट में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफरेंस मिलेगी, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट शुड ऑल्सो पोजेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट, तो ये वर्क एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे आपको प्रीफरेंस मिलेगी। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो प्लीज आप उस फॉर्म में मेंशन करें। चलते हैं आगे, नंबर ऑफ फेलोज, कितने फेलोज ये लोग सिलेक्ट करेंगे।
सो करेंटली फॉर द इनॉग्रल कोहोट, फर्स्ट कोहोट है ये, 20 फेलोज विल बी सिलेक्टेड. क्या रहेगा पीरियड, अब कितने साल का ये फेलोशिप है? तो इनिशियली ये 12 महीने यानी एक साल का फेलोशिप है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इसको नेक्स्ट 12 मंथ के लिए यानी दूसरे साल के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, परफॉर्मेंशियल रिव्यू पे. तो आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी इन 12 महीनों में, उसके आधार पे आपको अगले 12 महीनों के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है. नेक्स्ट, लोकेशंस क्या क्या है? तो फेलो विल बी बेस्ड आउट ऑफ न्यू दिल्ली टिल देयर डिप्लॉयमेंट इज फाइनलाइज. तो आपकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए, इनिशियल आपके प्रोसेस के लिए आप न्यू दिल्ली में रहेंगे. उसके बाद फेलोज में बी रिक्वायर्ड टू बी स्टेशन इन द एनी ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट. ये स्टेट हैं जहाँ पर ये शुरुआत कर रहे हैं, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये लोकेशन हैं. उसके अलावा ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा? ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको भरना होगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, अभी हम एप्लीकेशन भी देखेंगे. सेकेंड, आपको देखना होगा कि कैंडिडेट फॉर द NUDM फेलोशिप विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, उस एप्लीकेशन फॉर्म के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू राउंड 20 एप्लीकेंट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर द पार्टिसिपेट इन इनॉग्रल कोहॉर्ट ऑफ द फेलोशिप. तो दो ही राउंड है, पहला आपका एप्लीकेशन, उससे शॉर्टलिस्ट होके आपका ऑनलाइन या वर्चुअल इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल लिस्ट आपकी आ जाएगी. अब बेनिफिट्स क्या क्या है, प्रोफेशनल बेनिफिट्स क्या है? ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग होगा, जो भी एप्लीकेंट्स होंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और 15 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा. ठीक है, जिसमें वो मिशन में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप इस फेलोशिप को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, किसका होगा, कौन इश्यू करेगा? ज्वाइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हाउस एंड अर्बन अफेयर्स और PSUD ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट. नेक्स्ट चलते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या है. तो फेलोज को 60,000 पर मंथ का एक रिम्यूनरेशन मिलेगा. सो दैट 60,000 पर मंथ का एक वो फाइनेंशियल बेनिफिट है. उसके अलावा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, यानी अगर आप अगले साल के लिए अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस है. तो आपको जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो एनुअली होगा. ठीक है, ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स है. कमिंग टू द रोल ऑफ द NUDM प्रोग्राम फेलो, आपका रोल क्या रहेगा? सो पहला रोल है कि द फेलो विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द गोल ऑफ ड्राइविंग सिटीजन सेंट्रिक ई गवर्नेंस. ठीक है, तो सिटीजन सेंट्रिक ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि जितनी भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की वो इंटरनेट या ई गवर्नेंस में बदल जाए और सिटीजन उसको आसानी से एक्सेस कर पाए. सेकेंड, द डे टू डे रोल ऑफ द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलो विल बी कोऑर्डिनेटेड बाई द रिपोर्टिंग ऑफिसर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट SPMU. ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? द फेलो विल ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट इन डेटा एनालिटिक्स, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, विजुअलाइजेशन और एनी अदर रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग क्रिएटिंग रिपोर्ट्स. तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि आप स्टेट लेवल पर काम करेंगे, स्टेट लेवल पर आपका एंगेजमेंट होगा और स्टेट की जो प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट है उसके साथ आपको रिपोर्टिंग अटैच करना पड़ेगा. और क्या रोल रहेगा? मिशन फैसिलिटेशन एट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल, सपोर्टिंग NUDM इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेजेस, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन विद अर्बन स्टेक होल्डर्स, मैनेजिंग एक्सटर्नल रिलेशन विद इकोसिस्टम पार्टनर्स, अंडरस्टैंडिंग द स्टेट and UL be needs pertaining to delivery of municipal services and capacity building at the ULB level, program documentation and technical reporting. तो ये basic आपके role होंगे जो day-to-day activity में आएंगे. Finally, last date क्या है application की? तो last date है 24 November 2021. ठीक है, इस last date में आपको apply करना होगा और इसको अप्लाई करने से पहले आपको समझना पड़ेगा दो तीन चीजें. और दो तीन चीजें वो क्या है? वो दो तीन चीजें हैं, आपको पहले तो नेशनल अर्बन डिजिटल जो मिशन है उसको पढ़ना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली में है क्या, क्योंकि उससे आपको आइडिया आएगा कि वो आपका जो मिशन है वो है क्या और उस मिशन को आप कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट करने में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. क्योंकि जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे तभी आप
इसके जो असेसमेंट है, इसका जो फॉर्म है, उसको आप बेहतर तरीके से फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कैसा दिखेगा और उस फॉर्म में आप क्या करने वाले होंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म का देख लेते हैं। एक इसका ये वेबसाइट है, आप इसको देख पा रहे होंगे। इस वेबसाइट को आप विजिट करें और इस वेबसाइट को विजिट करके आपको इस प्रोग्राम के बारे में, इस फेलोशिप के बारे में प्योर प्रॉपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसका लिंक अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारा जो ये इसका हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लिंक के बाद आपको हम लेके चले चलते हैं सीधे के सीधे एप्लीकेशन पर। राइट, तो एप्लीकेशन इसका क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। तो इसमें आप अगर इसी इस पे भी जाएं तो इसमें आप यहां पर अगर क्लिक करेंगे अप्लाई पर, तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, आपका यूजर नेम, ईमेल आईडी, और लॉगिन करने के बाद फिर जब आप जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन को आपको बहुत ध्यान से भरना है। राइट, तो जब आप एप्लीकेशन को ध्यान से भरेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको, तब आपका जजमेंट होगा कि आपको कैसे आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स हैं, आपका फुल नेम, कंट्री, स्टेट, सिटी, पर्सनल एजुकेशनल डिटेल्स हैं। एजुकेशनल डिटेल्स में आप अपना सारा भर देंगे। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे। कितने महीने का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप डालेंगे। एक रिटन कॉम्पिटेंसी है, यहाँ पर आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, एक SIP की तरह, द पर्पस, द रीजन यू आर अप्लाइंग फॉर NUDM फेलोशिप प्रोग्राम। तो ये SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसके हिसाब से आपको लिखना है। सेकंड आपको लिखना है कि कोई भी इनमें से एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, या तो 2000 वर्ड्स का एक प्रपोजल आपको देना है दैट आइडेंटिफाइज दैट स्टेप्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ IT प्रोजेक्ट अक्रॉस 100 ULB इन अ स्टेट विद अ स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सर्विस सपोर्ट एक्टिविटीज, या म्यूनिसिपल गवर्नेंस के बारे में एक लिखना है, या बिल्ड अ ब्रीफ केस स्टडी ऑफ हाउ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू अर्बन गवर्नेंस। इन तीन में से किसी एक पर आपको 2000 वर्ड्स में लिख के इसमें आपको डालना है। देन लास्ट में आपके रिकमेंडेशंस हैं, आप इसमें दो आपको रिकमेंडेशन देने पड़ेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फाइनल आप कैप्चा अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म बहुत ही आसान और सिंपल है, ये भर जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अगर आपके कुछ और भी क्वेरीज हैं, कुछ और भी सवाल हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मुझे लगता है कि अगर आप IT, डिजिटल, अर्बन प्लानिंग या पॉजिटिव चेंज गवर्नेंस के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है तो आई थिंक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहिए। नेक्स्ट लेवल पर जो भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी हम दोबारा से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इस फेलोशिप को अप्लाई करिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक में क्लिक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको सोशल सेक्टर में जॉब या फेलोशिप में आप इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।